नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज अ स्मॉल पॉइंट मास कैरिंग सम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज रिलीज फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन देन करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मास ठीक है सो ये अपने को बताना है क्या होगा स्नैरियो में तो स्नैरियो कुछ ऐसा है कि ये आपकी टेबल है इस टेबल पे आपने ऐसे करके एक छोटा सा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था और वो चार्ज पार्टिकल अभी नीचे गिरना शुरू हुआ है सो so, इस क्यू uh, चार्ज क्या लेते हैं उसके इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और नीचे यहाँ पे आपका एम जी फोर्स इसके ऊपर लगेगा हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है कि एक्स और वाई की अगर हम बात करेंगे तो इसके बीच में इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी तो इस केस में अगर देखेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा आपका नेट फोर्स सो वो आएगा उसको आप लिख सकते हैं एम जी माइनस जे कैप प्लस क्यू ई आई कैप तो ये आपका फोर्स हो जाएगा एक्सलेशन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू जी माइनस जी जे कैप प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम आई कैप ना ये एक्सलेशन जो है ये आपका कांस्टेंट है तो कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन का मतलब ये है कि एक इधर फोर्स एक इधर फोर्स लग रहा है पार्टिकल इस तरफ कहीं ट्रैवल करेगा तो एक्स वाई अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए आपकी स्ट्रेट लाइन की ट्रेजेक्ट्री होगी एक्चुअली uh, एक्स और वाई देखेंगे तो टेक्निकली uh, तो इस डायरेक्शन में आना चाहिए एक्स और ये माइनस वाई में ट्रैवल करेगा सो so ये आपकी एक्चुअल रेजेक्ट्री होगी बट एक्स और वाई में ग्राफ देखेंगे तो इन चारों ग्राफ में से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर फोर होएगा हालांकि मेरे हिसाब से ये उसकी एक्चुअल रजेक्ट्री होगी बट क्लोजेस्ट uh, ये वाला है सो फोर वुड बी द राइट आंसर